आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन इज, हमें एक एसिड सॉल्यूशन दिया है जिसका हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है बाय वॉल्यूम, और उस सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी दी गई है, और हमें इस डेटा को यूज़ करके बताना है कि उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो है वो क्या होगी, राइट? तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, तो ये जो है वो हमें बाई वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, 49%। तो इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब क्या होगा कि अगर हम 100 ml सॉल्यूशन जो लेंगे उसमें हमारा 49 ग्राम्स ऑफ एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा, एसिड कहें या फिर हम सॉल्यूट कहें, क्योंकि हमारा जो ये H2SO4 का सॉल्यूशन है इसमें H2SO4 जो है वो खुद एक सॉल्यूट की तरह काम करेगा। इसके साथ में हम एक सॉल्वेंट लेंगे, और सॉल्वेंट यूजुअली हम एसिड सॉल्यूशंस में वाटर लेते हैं, और इनको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही हमारा बेसिकली सॉल्यूशन बनता है, राइट? तो हमारे 100 ml सॉल्यूशन में हमारा 49 ग्राम जो है वो सॉल्यूट या फिर एसिड जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट है। तो क्या है कि एक बार हम मोलैलिटी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मोलैलिटी कैलकुलेशन के लिए क्योंकि हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन का एक्चुअल वॉल्यूम भी 100 ml ही है, राइट? तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 100 ml है, तो हमारा H2SO4 का मास कितना होगा सॉल्यूशन में, वो होगा 49 ग्राम्स, राइट? क्योंकि उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हमने निकाला कि उसमें 49 ग्राम्स एसिड प्रेजेंट होना चाहिए था, राइट? अब क्या है कि अगर हम H2SO4 का मोलर मास निकालें, तो मोलर मास बेसिकली क्या होता है, मोलर एटॉमिक मासेस का सम, राइट? तो हाइड्रोजन का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है, 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, और हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका जब हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 98 ग्राम्स पर मोल, राइट? तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें H2SO4 के, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास कितना है, 49 ग्राम्स, और मोलर मास है हमारा 98 ग्राम्स पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो निकल के आएंगे वो आएंगे हमारे पास 0.5 मोल्स, राइट? तो अब क्या है कि हमें पता है डेंसिटी, किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम डेंसिटी निकालें तो हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो अगर हम इसमें इस फॉर्मूला का यूज़ करके मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, राइट? तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ बेसिकली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब हमें जो H2SO4 सॉल्यूशन हमने बनाया है उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.49 ग्राम पर ml, राइट? और हमने वॉल्यूम कितना अज्यूम किया है, 100 ml। तो अगर हम 100 ml सॉल्यूशन अज्यूम कर रहे हैं और उसकी डेंसिटी ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 149 ग्राम जो है वो होना चाहिए, राइट? तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है कि हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? क्योंकि सॉल्यूशन हमारा बनता तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करके ही है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना निकला, 149 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्यूट जो था वो कितना हुआ, 49 ग्राम्स, राइट? तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला, हमारा 100 ग्राम्स, राइट? तो ये आया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या है कि अगर हम मोलैलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन की बात करें, जो कि बेसिकली हमारे क्वेश्चन में पूछा था, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, मतलब हम H2SO4 सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर H2SO4 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हमने कितने निकाले थे, 0.5 मोल्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने अभी कितना निकाला, 100 ग्राम्स। तो ये हुआ 100 ग्राम्स और इनटू 1000, राइट? तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो मोलैलिटी निकल के आएगी H2SO4 सॉल्यूशन की, वो निकल के आएगी हमारी 5 m। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा 5 मोलल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।